ये पूरी दुनिया मैथमेटिक्स का यूज कर बनाई गई है, इसलिए हमें हर एक जगह पे मैथमेटिक्स का यूज दिखता है। नेचर में पैटर्न होता है जो कि नेचर हर एक जगह पे फॉलो करता है, और ये सभी पैटर्न्स मैथमेटिक्स से ही होता है। सभी जगह पे मैथमेटिक्स का सेम रूल ही चलता है। सिर्फ मैथमेटिक्स को स्टडी कर पूरे ब्रह्मांड्स के सीक्रेट को ढूंढा जा सकता है। ऐसा ही कुछ निकोला टेस्ला ने किया था। अनफॉर्चुनेटली नंबर 3, 6 और 9 के पीछे के सीक्रेट्स को बताने से पहले ही वो चले गए, लेकिन 20 साल के रिसर्च के बाद हमारे जो हाथ लगा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। तो आखिर क्या पता चला है हमें? सभी जीव जंतु एक सेल से ही बनना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में वन सेल डबल होकर दो सेल में कन्वर्ट होता है, और फिर दो सेल डबल होकर चार सेल में, फिर चार सेल डबल होकर आठ सेल हो जाता है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है, और फिर एक बड़ा सा जीव का निर्माण होता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकली समझे तो हमें ये सीक्वेंस मिलता है। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि कोई नंबर 1 डिजिट का है, तो कोई 2 डिजिट का, तो कोई 3 डिजिट का। तो अब हम इन सभी नंबर्स को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें मेन नंबर्स मिल जाए। 1 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है डिजिटल रूल। इसमें हम नंबर्स के डिजिट को जोड़ देते हैं। अब हमें जो नंबर मिल रहा है उस पे गौर कीजिए। इस प्रोसेस के अपोजिट अगर हम 1 से हाफिंग करना स्टार्ट करते हैं और फिर आए हुए नंबर्स को रिड्यूस कर देते हैं, तब भी हमें यही नंबर्स मिलते हैं, और इन नंबर्स के ग्रुप में हमेशा नंबर 3, 6 और 9 एब्सेंट रहता है। नेचर के इतने बड़े प्रोसेस में, जिस प्रोसेस के वजह से सभी जीव जंतु का निर्माण होता है, उस प्रोसेस में नंबर 3, 6, 9 का एब्सेंट होना, उस प्रोसेस में नंबर 3, 6, 9 का कोई रोल ना होना, ये कोई साधारण बात नहीं है। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ये पैटर्न जिसमें 1, 2, 4, 8, 7 और 5 नंबर्स हैं, ये थर्ड डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये नंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर थर्ड डायमेंशन वाली दुनिया को बनाते हैं। इस फिंगरप्रिंट में इन नंबर्स के बीच में जो ऑसिलेशंस दिखाया गया है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। इस पैटर्न में 3, 6 और 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 3, 6, 9 थर्ड डायमेंशन से भी हायर डायमेंशन वाली दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम 3, 6 और 9 से डबलिंग करना और हाफिंग करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है।
3 और 6 से डबलिंग और हाफिंग करने पर हमें सिर्फ 3636 ही मिलता है। और इसमें भी आप देख सकते हो नंबर 9 अब्सेंट। इस पैटर्न में भी नंबर 9 अब्सेंट था और इस पैटर्न में भी नंबर 9 अब्सेंट। जब हम नंबर 9 से डबलिंग करना और हाफिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें चौंकाने वाला रिजल्ट मिलता है। हम सब ये बात जानते हैं कि सर्कल में 360 डिग्री होता है, लेकिन आखिर क्यों? जब हम फुल सर्कल को बाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं ये तो बात थी सर्कल की, अब हम पॉलीगंस की बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि एक ट्रायंगल का सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसको जब हम रिड्यूस करते हैं तो हमें नंबर 9 मिलता है। सेम इसी तरह से रेक्टेंगल का भी सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और इसको भी रिड्यूस करने पर 9 ही मिलता है। और पेंटागन का भी इन सभी पॉलीगंस और सर्कल के साथ नंबर 9 का कोई रिलेशन है? सिर्फ इन्हीं शेप्स के साथ नहीं बल्कि दूसरे ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ भी नंबर 9 का रिलेशन है। जब हम फुल सर्कल को बाइसेक्ट कर रहे थे तो हमने ये देखा कि आया हुआ एंगल नंबर 9 में रिड्यूस हो जा रहा है। इससे हमें ये बात पता चलता है कि जैसे जैसे सर्कल टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था और स्पेस के सिंगुलैरिटी तक पहुंच रहा था, वैसे वैसे नंबर 9 भी स्पेस के सिंगुलैरिटी तक पहुंच रहा था। दूसरी तरफ पॉलीगंस ने इसका अपोजिट खुलासा किया। पॉलीगंस का जैसे जैसे साइड बढ़ता है वैसे वैसे वो सर्कल के रूप में आने लगता है। तो जब हमने पॉलीगंस के साइड बढ़ा बढ़ा कर उनके एंगल्स को जोड़ा तो हमें सिर्फ 9 मिला। इसका मतलब ये था कि नंबर 9 दूसरे डायरेक्शन में भी यानी कि स्पेस के सिंगुलैरिटी से इन्फिनिटी स्पेस तक भी फ्लो करता है, यानी कि स्पेस में नंबर 9 सभी जगह पे है।
रैंडमली कितने भी दिन ले लो, हफ्ता, महीना या फिर साल ले लो, जब आप सबको मिनट या फिर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे और फिर उसका डिजिटल रूट निकालोगे तो आपको हमेशा नंबर 9 ही मिलेगा। नंबर 9 स्पेस टाइम दोनों में प्रेजेंट है। थोड़ी देर पहले जब हमने नंबर 9 से डबलिंग और हाफिंग किया था तो हमें सिर्फ नंबर 9 ही मिल रहा था। इतना ही नहीं, 9 के टेबल में भी हमेशा 9 ही मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर 9 नेचर में एक्सिस की तरह काम करता है, हर एक जगह पे ये मेन रोल निभाता है। इस फिंगरप्रिंट में भी यही बताया गया कि नंबर 9 सभी नंबर्स का किंग या फिर क्वीन है। नंबर 9 3 और 6 को कंट्रोल करता है। नंबर 3 इस फिंगरप्रिंट के राइट साइड वाले नंबर्स 1, 2 और 4 को कंट्रोल करता है और नंबर 6 इस फिंगरप्रिंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स यानी कि 8, 7 और 5 को कंट्रोल करता है। यानी कि सभी नंबर्स नंबर 9 के निगरानी में ही पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं। नंबर 9 पूरे ब्रह्मांड में मौजूद इनर्जी, वाइब्रेशन, मोशन और फ्रिक्वेंसी का सोर्स है। सभी चीजें इसी के वजह से एग्जिस्ट करता है। यानी कि निकोला टेस्ला ये कहते थे कि यूनिवर्स में एक कोर है जिसमें से हम सब स्ट्रेंथ, नॉलेज और इंस्पिरेशन लेते हैं। शायद वो नंबर 9 की ही बात कर रहे थे। ब्रह्मांड की ज्यादातर शक्तियाँ दो पेयर में काम करती हुई दिखाई देती है, जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स। इसमें सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल ही होता है। सालों से हम दो तरह की शक्तियाँ को भी जानते हैं, एक अच्छी और एक बुरी। असल में ये सब एक छलावा है। दो पेयर में कोई भी शक्ति काम करती ही नहीं है, सब कुछ थ्री के पेयर में होता है। मैग्नेट्स में दो पोल्स तो होते ही हैं, लेकिन सिर्फ इन दो पोल्स की वजह से मैग्नेट काम नहीं करता, बल्कि इसमें एक तीसरा चीज का भी रोल होता है। इसका पोल्स 3 और 6 को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नेट का एक्सिस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 ही 3 और 6 को पावर देता है, यानी कि मैग्नेट्स का एक्सिस ही पोल्स को पावर देता है, तभी पोल्स काम करते हैं। यिंग यांग जो अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट करता है, इस सिंबल में भी सिर्फ दो कंपोनेंट्स नहीं होता है बल्कि 3 होता है। इन दोनों पार्ट्स को 3 और 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन दोनों पार्ट्स के बीच में जो एस कर्व है उसे नंबर 9 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इस सिंबल में भी 3 कंपोनेंट्स होता है। असल में नंबर 3 के बेसिस पे ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए तो ज़्यादातर चीज़ें 3 पेयर में होता है। जैसे कि एटम्स में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं 3 पार्टिकल्स से पूरे मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण होता है। 3 तरह के चार्जेस भी होते हैं। टाइम भी 3 रूप में ही एग्जिस्ट करता है। निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था कि इन 3 चीज़ों से, वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी से ब्रह्मांड को आसानी से समझा जा सकता है। इस यूनिवर्स को क्रिएट करने में जितना हाथ नंबर 3 का है उतना ही नंबर 6 का भी है। एटम्स में ध्यान से देखने से हमें ये पता चलता है कि इसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट्स नहीं होते हैं बल्कि 6 होते हैं। 3 पार्टिकल्स और उन 3 पार्टिकल्स में मौजूद 3 तरह के चार्जेस। यानी कि नंबर 3 और 6 हमेशा पेयर में काम करते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, लेकिन ये सब कुछ नंबर 9 के कंट्रोल में होता है। नंबर 9 के वजह से ही 3 और 6 यूनिवर्स को क्रिएट कर पाते हैं। यानी कि ओवरऑल नंबर 9 ही सब कुछ है। ये सब कुछ प्रतीत तो होता है लेकिन साथ में ये कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि नंबर 9 सभी जगह पे मौजूद तो है, सभी चीज़ों में इनकोडेड तो है, लेकिन साथ में ये कहीं पर भी है ही नहीं, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी कि नंबर 9 0 के समान है। इसका आपको प्रूफ चाहिए तो ये देखो, कोई भी एक नंबर लीजिए जिसमें नंबर 9 या फिर 0 डिजिट के रूप में मौजूद हो। अब इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। अब हम इस नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। मान लीजिए नंबर 9 0 के समान है तो इस नंबर में हम 9 के जगह पे 0 लिख देते हैं और इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। हमें सेम डिजिटल रूट ही मिला
ऐसा उन सब नंबर्स के साथ होता है जिसमें नंबर 9 या फिर 0 डिजिट के रूप में मौजूद होता है। 9 को 0 से रिप्लेस करके डिजिटल रूट निकालो या फिर 0 को 9 से रिप्लेस करके डिजिटल रूट निकालो, आपको हमेशा सेम डिजिटल रूट ही मिलेगा। आपको तो पता ही होगा कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। सेम नंबर 9 के साथ भी होता है। 9 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करोगे तो हमेशा नंबर 9 ही मिलेगा। इन सभी बातों से ये वेरीफाई होता है कि नंबर 9 0 के समान है और इनमें ज़्यादा अंतर भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 9 सच में सब कुछ को रिप्रेजेंट करता है। बिग बैंग से पहली वाली दुनिया जब कुछ भी नहीं था उसको भी नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है, और बिग बैंग के बाद वाली दुनिया जहाँ पे सब कुछ है इसको भी नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मांड में दो तरह की इनर्जी होती है, मेल इनर्जी और फीमेल इनर्जी। इन दोनों इनर्जीज को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस अंतर इतना ही होता है कि मेल इनर्जी वाला ट्रायंगल ऊपर की ओर पॉइंट करता है और फीमेल इनर्जी वाले ट्रायंगल नीचे की ओर पॉइंट करती है। हिंदू धर्म में 3 मेन गॉड्स होते हैं। इन 3 गॉड्स को हम मेल इनर्जी वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 मेन गॉडेस होती है जिन्हें हम फीमेल इनर्जी वाले ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही 3 मेन गॉड्स और 3 मेन गॉडेस यानी कि टोटल 6 मेन गॉड और गॉडेस को पूरी सृष्टि का रचयिता माना जाता है। यहाँ पे भी हमें 3 और 6 का रोल ब्रह्मांड को क्रिएट करने जैसा दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब सामने आता है जब हम इन 6 मेन गॉड और गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती जी की एनर्जी के मेल से ऐसा पैटर्न बनता है। विष्णु और लक्ष्मी जी की एनर्जी के मेल से ऐसा ही पैटर्न बनता है। शिव और पार्वती जी की एनर्जी के मेल से भी यही पैटर्न बनता है। इन पैटर्न्स में आप देख सकते हो कि 6-6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जब हम सभी 6 मेन गॉड और गॉडेस की पावर को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें टोटल 18 ट्रायंगल्स मिलता है जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है। तपस्वियों ने ध्यान के गहराई में जाकर यह पता लगाया कि एक ऐसी ध्वनि है जो हर वक्त हर जगह पे सुनाई देती है। उस ध्वनि को उन्होंने नाम दिया ओम। ओम में 3 तरह के साउंड होते हैं। अगर हम इसके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो 432 हर्ट्ज होता है जो कि नंबर 9 में रिड्यूस हो जाता है। स्वास्तिका को एक पवित्र सिंबल माना जाता है जो अच्छाई को दर्शाता है और बुरी शक्तियों से बचाता है। इसके बनावट में हर एक जगह पे नंबर 9 मिलता है। हमारे नंबर सिस्टम में 10 मेन नंबर्स होते हैं जिसमें नंबर 9 सबसे लास्ट में आता है। नंबर 9 के बाद कोई और दूसरा नंबर नहीं आता है। 10 कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बातों को रखने के लिए यूज करते हैं। असल में नंबर 9 से ही सब कुछ शुरू होता है और नंबर 9 पे ही सब कुछ आकर ख़त्म हो जाता है, और बीच वाला पार्ट भी नंबर 9 का ही रूप होता है। ये सभी बातें हमारे पूर्वज जानते थे। नंबर 9 को हमारे पूर्वज फिनिशिंग पोस्ट कहते थे, यानी कि नंबर 9 को एक ऐसा नंबर कहते थे जहाँ पे सब कुछ आकर ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट संपूर्ण हो जाता है। एग्जांपल के लिए प्रेगनेंसी पीरियड को ही ले लीजिए। हम 9 महीने तक अपने मम्मी के पेट में रहते हैं। 9 महीने में हमारी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और हम धरती पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पूर्वज नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को समझते थे। वैदिक मैथ में भी नंबर 9 का इम्पोर्टेंस को बताया गया है। ये भी बताया गया है कि नंबर 9 कैसे 0 के समान है। एंशियंट इजिप्शियन, पाइथागोरियंस और कुछ मिस्ट्री स्कूल्स नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को स्कूल्स में पढ़ाया करते थे। सिर्फ नंबर 9 के इम्पोर्टेंस को ही नहीं बल्कि नंबर 3 और 6 के इम्पोर्टेंस को भी हमारे पूर्वज जानते थे, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें इजिप्ट से मिल जाता है, पिरामिड ऑफ गीजा। यहाँ पे 3 बड़े पिरामिड्स तो हैं जो 3 ओरियन स्टार्स के साथ कोरिलेट करते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे 3 छोटे पिरामिड्स भी हैं
यानी कि यहाँ पे टोटल 6 पिरामिड्स हैं, जिन्हें 3 के रेशियो में साइज छोटा कर और 12 कर बांट दिया गया है। बोरोमेन रिंग्स, ये एक ऐसा सिंबल है जिसमें 3 रिंग्स होता है। अगर इसमें से एक रिंग को निकाल दिया जाए तो बाकी के 2 रिंग्स अपने आप अलग हो जाते हैं। इन तीनों रिंग्स में से 2 रिंग्स तभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जब हम तीसरे रिंग को भी ऐड करते हैं। ये एक एंशियंट सिंबल है जिसका यूज हमारे पूर्वज 3 के पावर को दिखाने के लिए करते थे, यानी कि हमारे पूर्वज 3, 6, 9 के इम्पोर्टेंस को जानते थे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अगर हमारे पूर्वज 3, 6, 9 के बारे में जानते थे तो हमें इसके बारे में तब क्यों पता चला जब निकोला टेस्ला आए? उनसे पहले हमें 3, 6, 9 के बारे में पता क्यों नहीं था? आखिर एकदम से क्या हुआ कि जो जानकारी हमें पता थी, बुक्स में स्टोर थी, वो खो गई? कुछ एंशियंट्स बुक्स में 3, 6, 9 के बारे में जो जानकारी मौजूद है वो बहुत कम है, जबकि कुछ सबूत ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज 3, 6, 9 के बारे में हमसे ज़्यादा जानते थे, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन खो चुकी है। तो वो फाइल्स कहाँ हैं जिनमें हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई 3, 6, 9 का इन्फॉर्मेशन मौजूद था? शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइल्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, लेकिन ये बात कहना सही नहीं होगा कि पूरी दुनिया से ये इन्फॉर्मेशन एक्सीडेंट के वजह से ही खो गई। 3, 6, 9 के बारे में हमें निकोला टेस्ला ने बताया। वो 3, 6, 9 के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे और कुछ दिनों में वो रिवील भी करने वाले थे, लेकिन 1943 में उनका डेड बॉडी उनके होटल रूम में मिला। USA की FBI एजेंसी ने यह बताया कि उनकी मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी, लेकिन इनके मौत के बाद जो हरकतें हुई वो जान के आपको भी अजीब लगेगा। उनके मरने के बाद USA गवर्नमेंट की ऑफिस द एलियन प्रॉपर्टी ने उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया और फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जिन्हें पब्लिक किया जा सकता था। अभी भी निकोला टेस्ला के ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया गया था उन डॉक्यूमेंट्स में 3, 6, 9 का डॉक्यूमेंट्स मिसिंग था, यानी कि USA की गवर्नमेंट ने उसको अपने पास रख लिया। तो आखिर क्या था उस डॉक्यूमेंट में जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया? क्या हो जाता अगर हम 3, 6, 9 के बारे में जान जाते तो? पूरे ब्रह्मांड का सीक्रेट 3, 6, 9 में ही छिपा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यही नंबर्स ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं और फिर कंट्रोल भी करते हैं। जिस दिन हम इन नंबर्स के पीछे की सीक्रेट्स को जान जाएंगे, उस दिन से हमारी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि उस दिन से हम इस ब्रह्मांड के साथ और मिल घुल जाएंगे। हमारे पास भी गजब की शक्तियाँ होगी, अनलिमिटेड एनर्जी होगी, जिसे बड़ी बड़ी दूरियां भी आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। टाइम से भी नंबर 3, 6, 9 का लेना देना है। तो जब हम 3, 6, 9 के बारे में गहराई से जान जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम टाइम ट्रैवल भी आसानी से कर पाएं। यानी कि अगर हम 3, 6, 9 के सीक्रेट्स को गहराई से जानते तो हमारी दुनिया एडवांस होती। और रही बात हमारी पास्ट की, तो ऐसे बहुत से सबूत हैं जिनसे यह पता लगता है कि एंशियंट सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा एडवांस थी, यानी कि वो 3, 6, 9 के बारे में गहराई से जानते थे। फिर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा जिसके वजह से 3, 6, 9 की इन्फॉर्मेशन और एंशियंट टेक्नोलॉजी खो गई। ये जाहिर सी बात है कि जिस इन्फॉर्मेशन का यूज करके डेवलपमेंट लाया जा सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है, और शायद ऐसा ही पास्ट में भी हुआ था। और यही कारण है जिसके वजह से निकोला टेस्ला की डॉक्यूमेंट्स को USA गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया और सीक्रेटली यूज़ किया जा रहा है।